तो देख सकते हैं पैरमो का कमलेश महतो जी अभी आ चुके हैं अपना भाषण देने के लिए। और चांदो पंचायत के इस तरह से भाषण दे रहे हैं, सभी को मेरी ओर से केंद्रीय सचिव पप्पू मिश्रा जी और बसंती हेमरम जी, हमारे वीरेंद्र महतो जी, राजेश महतो जी और तमाम यहाँ पर उपस्थित चांदो पंचायत के सक्रिय कार्यकर्तागण और यहाँ पर उपस्थित सभी जनता जनार्दन, माताएं बहने, हमारे छोटे छोटे भाई बहन, सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार करते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर उपस्थित प्रेस मीडिया को भी अपनी ओर से जोहार करते हैं। साथियों, आज ये बदलाव संकल्प सभा जो आज चांदो पंचायत में रखा गया है, आपको इस बात को समझना होगा, इस नाम से ही आपको पता चलता होगा कि बदलाव संकल्प सभा। तो आज जेएलपीएम और जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो एक लक्ष्य लेकर के चली है, जो एक विचारधारा को अपने झारखंड में फैलाने का काम कर रही है और ये संदेश दे रही है कि इस बार 2024 में अगर यदि आपको कुछ करना है तो झारखंड की राजनीति में बदलाव लाना है, झारखंड में बदलाव लाना है, झारखंड के जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है उसको बदल करके टाइगर जयराम को मुख्यमंत्री बनाना है, तभी जा करके झारखंड में बदलाव आप सोच सकते हैं। आपको इस बात को समझना होगा, जितनी भी पार्टियां यहाँ पर आज झारखंड में आई है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, बीजेपी हो, आजसू हो या कांग्रेस हो, सब अपना अपना झोली भरने का काम किया है। कोई बालू बेच रहा है, कोई कोयला बेच रहा है, कोई पत्थर बेच रहा है, तो कोई नौकरी वाला सीटें बेच दे रहा है, बेच रहा है ना। तो यहाँ जितना भी लोग राज किया है सिर्फ बेचने का काम किया है और जो बेच रहा है उस पर अधिकार किसका है? झारखंडियों का अधिकार है। और सबसे ज्यादा अधिकार अगर लूटने का काम किया है तो यहाँ पर एनडीए रूपीय गठबंधन के दलों ने लूटने का काम किया है। आज हम बेरमो विधानसभा की बात करते हैं। बेरमो विधानसभा में आप देख रहे होंगे इतना सारा कोयलांचल क्षेत्र है, बेरमो विधानसभा में बेरमो से सटा हुआ यह प्रखंड है, यह पंचायत है, लेकिन कितने लोग यहाँ पर बेरमो कोयलांचल में लाभान्वित है, कोई है क्या बताइए? कितने लोग यहाँ से कोयलांचल में लाभान्वित है? नहीं है। लेकिन यही चीज आप यहाँ पर देखिए कि यहीं पर आपका 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूर में कठारा है, जरंगी है, आप फुतरो बेरमो है, आप जिधर भी जाइए ललपनिया है, डीबीसी है, आप जाके देखिए बिहार और यूपी के लोग यहाँ पर रोजी रोजगार कर रहे हैं। और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ के लोग बम्बई, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, राजस्थान जाने का काम कर रहे हैं अपने रोजी रोजगार के लिए। तो वो दिन कब बदलेगा कि यहाँ के लोग यहाँ रोजगार करेंगे? वो दिन तभी बदलेगा जब झारखंड में जयराम दास जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनाइएगा। बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? कितने लोग चाहते हैं कि जयराम दास मुख्यमंत्री बनाना? सब लोग चाहते हैं ना। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि इस बार जयराम दास को जिता करके भेजना है और अधिक से अधिक विधायकों को पूरे झारखंड से जेल की पार्टी के नेतृत्व में जिता करके विधानसभा भेजना है, तभी इनको मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आपको पता ही होगा टाइगर तो बोलते हैं, हम लोग का तो बात बहुत कम सुनता है, लेकिन बोलते हैं 1 दिन में 1 करोड़ कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? एक दिन में फ्रंट पेज में छपाता है 1 दिन में 1 करोड़। कोयला का तो तस्करी कर ही रहा है, अभी जमीन का भी दलाली करना शुरू करते हैं। यहाँ का विधायक, यहाँ पर धोरी में फुटबॉल ग्राउंड है, उस फुटबॉल ग्राउंड में उस शिलान्यास किया 10 करोड़ का कि फुटबॉल ग्राउंड यहाँ पर बनाएंगे। अरे भाई बनाइए, बनाने के लिए कौन मना किया है? विकास का बाधक कोई यहाँ के लोग नहीं है, लेकिन बताइए अपने पिता के नाम से शिलान्यास कर रहे हैं? अरे भाई राजेंद्र सिंह ने कई इंच जमीन किया है फुटबॉल ग्राउंड में, कई इंच फुटबॉल ग्राउंड में जमीन किया है। राजेंद्र सिंह बहुत आंदोलनकारी था कि झारखंड आंदोलन में शहीद हुआ था, कि स्वतंत्रता सेनानी था, इसका मतलब बाप आपका मंत्री था, इसका मतलब आप जगह जमीन सब यहाँ का लूट के बाप का नाम कर दीजिएगा क्या? कर दीजिएगा क्या? अरे कोई जो जमीन दिया है, यहाँ का विस्थापित दिया, यहाँ का रैयत दिया है, यहाँ के लोग दिया है, अगर स्टेडियम बनेगा तो यहाँ के विस्थापित के नाम से बनेगा, यहाँ के आंदोलनकारी के नाम से बनेगा, न कि राजेंद्र सिंह के नाम से बनेगा, बनेगा क्या? आप यहाँ के किसी के लोगों का, निर्मल महतो का, सुनील महतो का, आप सीधू कानू का जाकर के बिहार में मूर्ति लगा दीजिए तो लगा सकिएगा क्या? नहीं लगा सकिएगा, मार मार के भगा देगा। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जिस तरह से कोयला, बालू और लोहा को लूट ही रहा है, अब जमीन भी लूटने का काम यहाँ का विधायक कर रहे हैं। आपको आपको क्या लगता है, अच्छा है राजेंद्र सिंह के नाम पर स्टेडियम बनना चाहिए क्या? है राजेंद्र सिंह के नाम से बनना चाहिए कि बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, सुनील महतो, विनोद बिहारी महतो, इसके नाम से बनना चाहिए? बताइए किसके नाम से बनना चाहिए? तो आपको इस माध्यम से हम कहना चाहते हैं, इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज ये जो कार्यक्रम बदलाव संकल्प सभा है,
बदलाव संकल्प सभा के माध्यम से आप लोग यहाँ पर एक प्रण लेकर के जाए, संकल्प लेकर के जाए कि आने वाले समय में बेरमो विधानसभा सहित जितने भी झारखंड के सभी सीट है, अधिक से अधिक सीटों पे जेएमएम के प्रत्याशी को चुनाव जिता करके हम लोग टाइगर जयराधा को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। इन्हीं जन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। टाइगर जयराम माता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर।